हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं एज यूजुअल ज्योति के साथ। तो केम छो सब मज़ा माना। और बस अभी भी मैंने नहाया है और नो मेकअप एट ऑल, नो लाली, नो लिपस्टिक, नो बिंदी। काम बहुत हो गया था आज। सैटरडे को वैसे ही मेरा धोबी घाट खुलता है। आप सबको पता है कि सैटरडे को मैं प्योर धोबी बन जाती हूँ। और आपने देख भी लिया कि कैसे मेरे ऊपर वाले हॉल में, फर्स्ट फ्लोर का हॉल कपड़ों से भरा पड़ा, सारे सोफे कपड़ों से भरे पड़े हैं। और मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा रिलैक्स विलैक्स अपनी जगह व्लॉग शुरू करना है, क्योंकि इधर 3-4 दिन मैंने व्लॉगिंग की नहीं। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा शुरू करते हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा शूट करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर मेरे व्लॉग्स की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी अभी मैंने कपड़े धुले हैं, कपड़ों से मैं फुर्सत पा चुकी हूँ। और अभी मैं अपने बेडरूम में ऊपर ही हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम, ये है मेरा बेड, ये मेरा कंप्यूटर। तो ये हो गया। और ऊपर मुझे कुछ बहुत अच्छे से मुझे थोड़ा सा सेटिंग करनी है, फिर मैं आपको एक टूर दूंगी अपने ऊपर की, इस फर्स्ट फ्लोर का, फिर कभी सेकंड फ्लोर का, ऐसे करके। टेरेस का गार्डन तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। एक्चुअली अकेले हूँ और ऊपर नीचे सब जगह कर नहीं पाती हूँ, सब मेड ही देखती है, तो वो अपना जैसे पाती है वैसे सेटिंग कर लेती है। और फिर जब कभी 15-20 दिन में, महीने में मैं करती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तो फिर मैं करती हूँ अपने हिसाब से। लेकिन घर ऐसी जगह है जहाँ पे आप जितनी भी सेटिंग कर दें वो इधर उधर थोड़े दिनों में हो ही जाता है, क्योंकि कभी आप जल्दी में कुछ उठाते हैं और जहाँ यूज़ करते हैं वहीं रख देते हैं। और बच्चे हैं अगर ख़ासकर आपके घर में, तो बच्चे तो आपका घर हर वक्त फैला रहते हैं, और मेरा घर तो हर वक्त समेटना पड़ता है, हर वक्त फैलता रहता है। समेटो फैल गया, समेटो फैल गया, इस तरीके से होता है। तो वही है कि थोड़े कपड़े छांटबीन करने हैं, बहुत कपड़े हो गए इकट्ठे। तो मैं सोच रही थी किसी दिन कबर्ड से जितने वो कपड़े जो अब यूज़ नहीं करते हैं बच्चे, और पहले बच्चों से शुरू करूँगी कि बच्चों के कपड़े छांट छांट के अलग करूँगी कि कौन से वो पहनते हैं और कौन से अब वो रिटायर्ड कर चुके हैं, तो उनको अलग कर दूँगी। और फिर उसके बाद संजू और अपना करूँगी कि कपड़े, मतलब अब जगह ही नहीं बच रहे कपड़े, इतना कपड़ा, इतना कपड़ा, जिस कबर्ड को खोलो जिधर देखो उधर कपड़े, उधर कपड़े। मुझे लगता है ये सभी के घर का हाल है, क्योंकि मैं जिससे भी ये शेयर करती हूँ वो सब यही कहते हैं कि हाँ यार कपड़े, और जब पहनने के लिए सोचो तो जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, चलो मार्केट लो नया कुछ। तो कपड़े मुझे सब सेपरेट करने हैं। शिवू मेरे नीचे अपने लिए राइस को क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। उन्होंने कहा मम्मा मुझे फ्राई करके राइस खाने, वो जीरा और उसमें प्याज में। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम अभी आते। कह रहा नहीं मैं अपने आप करूँगा। मैंने कहा वेरी गुड, करो, थोड़ी सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। और अब वो थोड़ी थोड़ी कुकिंग में इंटरेस्टेड है, तो अच्छी बात है, क्योंकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी काम को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका हर गुण कभी ना कभी काम आता है। तो ये पुरानी मान्यता थी कि जो है लड़के खाना नहीं बनाते, लड़का ये काम नहीं करता, लड़कों का काम ये नहीं है। तो मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ, और मैं अपने बेटों से थोड़ा थोड़ा कहती हूँ हर चीज़ में। जब भी आप फ्री हो, स्टडी फर्स्ट है, आपको सबसे पहले अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, उसके बाद आप थोड़े थोड़ा हर चीज़ सीखे, जिससे कि कभी मौका लगे, क्यों, क्योंकि मेरे कोई बेटी नहीं है, कोई मेरे साथ सास नहीं रहती, कोई मेरी मम्मी नहीं रहती, कोई मेरे ननद नहीं है, कोई नहीं है। तो अगर इन केस मैं कभी बीमार हो जाऊं या फिर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उन्हें खुद से अपने लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए, तो एटलीस्ट वो चाय है, मैगी है, मिल्क है, ब्रेड है, टोस्ट है, और तो ये सब कुक कर सके,
सकें, ये सब बना के अपने अपना पेट भर सकें, किसी पे डिपेंड ना रहें, इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहो। और मैं उन पर बिल्कुल अपनी ऐसे खुला नहीं किचन में छोड़ देती हूँ कि वो अपने आप को इंजर्ड कर ले, मैं उनको गाइडेंस देती रहती हूँ। तो ये थी मेरी और मेरे बच्चों की ये बात। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो कमेंट करके बताना कि वाकई क्या बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है सीखना चाहिए, क्योंकि ये उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर जॉब के लिए जाते हैं, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि किसी अदर स्टेट में गए, अदर सिटी में गए, और वो फुली बाहर खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं, इससे उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। या हॉस्टल में रहें या बाहर पढ़ने के लिए गए, तो ऐसे वक्त पे आपके ये गुण बहुत काम आते हैं कि आप अपने कपड़े, अपना खाना खुद कर सकें, आप किसी पे डिपेंड ना रहें। पता चला कि हमने आपको किसी तरीके से पढ़ने के लिए, कोई अच्छी डिग्री लेने के लिए भेजा, और उस जितना तो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, जितना मैं आपकी डिग्री के लिए पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ, उतना आपकी वहाँ सर्वाइवल के लिए मैं आपकी मेंटेनेंस के लिए वहाँ पैसे दूँ, 4 maid लगाऊँ, और या फिर आपके होटल्स के और आपके मेस के बिल भरते फिर। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, सबको आना चाहिए, अपने काम खुद से करने आने चाहिए। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, कल का व्लॉग है उसे एडिट करूँगी, उसे अपलोड करूँगी, पब्लिश करूँगी, और फिर शाम की चाय पे मिलते हैं। साढ़े पाँच का टाइम होता है चाय का टाइम, तो अब चलिए बनाते हैं चाय, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो चाय रेडी करके फिर उनके पास चलते हैं। ओके, तो बनाते हैं चाय।
कलरफुल आई मिस यू वाला, ये सन्नू ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था, मेरे बच्चे उठा रहा है कि मुझे इसी में पीना है। शिवू शिवू इसमें चाय पीएंगे, ये मेरा मेरा गिफ्ट है, समझे, मेरा गिफ्ट है ये। तो फ्रेंड डिनर मेरा बन चुका है, ये मैंने बनाया है मिक्स दाल जो मैंने सारे मसाले डाल के बॉईल कर ली है, और अभी इसमें तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने ये प्याज और गार्लिक और एक ग्रीन चिली और टमाटो कट कर लिए हैं, ये मेरे राइस भी बन गए हैं, रोटी भी मैंने बना ली है। तो चलिए तड़का हम आपके साथ लगाएंगे, मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी व्यूअर्स के साथ में ही तड़का लगाऊं, क्योंकि तड़का बड़ी मस्त चीज़ होती है ना, किसी चीज़ में तड़का ना हो, और जब सारे मिलके लगाएंगे तो देखिएगा दाल बहुत मज़ेदार बनेगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं देसी घी डालूंगी, मैं दाल में तड़का हमेशा देसी घी से ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको देसी घी बहुत पसंद है। तो मैंने ये लिया है, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है। अब इसमें क्या डालना है, हम डालेंगे जीरा, वाले हैं और डिनर अभी हम लोगों ने अपना कर लिया है, और ये मेरा लास्ट मील है, ये है मेरा रात का लास्ट मील। मैं वैसे तो दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ऐसे कि बहुत ज़रूरी हो गया, और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि मेरे साथ कई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जल्द शुरू हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दूध लो, एक तो मुझे रात में नींद नहीं आती है उसके लिए भी, और कैल्शियम बहुत कम हो गया है बॉडी में इसके लिए भी, तो और भी कई इश्यूज़ हैं। तो ये मेरा लास्ट मील है, इसके बाद मैं लेके जा रही हूँ बच्चों को ऊपर और इनको सुलाऊंगी, फिर मैं सोऊंगी। तो
आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।